13 जुलाई, और पिछले 24 घंटा में केवल कुछ कुछ स्थानों पर हल्का से मध्यम बारिश थंडरस्टॉर्म का साथ हुआ है। एक जगह में हेवी रेनफॉल है काप्तीपारा मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में 118.0 मिलीमीटर। उसके बाद हाथादेही केन्द्र डिस्ट्रिक्ट में 58.1 मिलीमीटर, टिटलागढ़ बोलंगीर डिस्ट्रिक्ट में 54.8 मिलीमीटर। बट स्टेट एवरेज रेनफॉल स्वाभाविक से कम है, 5.1 मिलीमीटर हुआ है, 10.8 स्वाभाविक होता है। इस समय हमारा मानसून ट्रफ स्वाभाविक से नॉर्थवर्ड लोकेशंस में है, इसका वजह से रेनफॉल कम है। सीजनल जो रेनफॉल अभी है हमारा, सीजनल रेनफॉल 1 जून से आज 13 जुलाई तक टोटल हुआ है 243.9 मिलीमीटर, स्वाभाविक होता है 334.4 मिलीमीटर, 27% कम है। 12 डिस्ट्रिक्ट में स्वाभाविक में है और 18 डिस्ट्रिक्ट में अभी भी डिफिशियंट कैटेगरी में है। 12 डिस्ट्रिक्ट का मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ इंटीरियर उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट है। और अभी फोरकास्ट जो है हमारा नेक्स्ट 24 आवर्स में रेनफॉल स्कैटर्ड वे में ही मोस्टली रहेगा, मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट में ही। थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग एक्टिविटी रहेगा, थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग एक्टिविटी का मेनली पॉसिबिलिटी ज़्यादा है साउथ कोस्टल उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट कंधमाल, बोध, अंगुल, कटक, ढेंकनाल, देवगढ़, केन्द्र, मयूरभंज। फिर कल 14 से 17 तक रेनफॉल स्लाइटली ग्रेजुअली इंक्रीज करने का चांसेस है, एक दो जगह करके हैवी रेनफॉल भी चांसेस है। भुवनेश्वर सिटी में जनरली क्लाउडी स्काई रहने का ही चांसेस है, और थंडरस्टॉर्म के साथ बारिश कुछ कुछ स्थानों पर पॉसिबिलिटी है।